जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास वी आर स्टार्टिंग द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 21 टू 30। तो 21 है डी आर डबल ओ पी ड्रूप, कमज़ोर होकर गिर जाना, झुक जाना। हर आईलिड ड्रूप विद वेरीनेस, विद टायर्डनेस, थकावट की वजह से उसकी पलकें झुक गईं। फिर देखिए डी आर डबल ओ पी ड्रूप, इसमें टू ओ हैं, डबल ओ है, उसको सर्कल लगा लें ताकि आपको निशानी पता चल जाए। जब इंसान बीमारी नकाहत की वजह से हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उसकी आईज ही सही तरह नहीं खुल सकती बीमार बंदे की। हर आई लिड्स ड्रूप्ड विद वेरीनेस, वी डब्ल्यू ई ए आर आई वेरी एन ई डब्ल एस नेस वेयरनेस। थक टायर्डनेस के स्पेलिंग लिखना टी आई आर ई डी टायर्ड एन ई डब्ल एस नेस, थकावट से। नेक्स्ट है सिंगल ओ वाला ड्रॉप डी आर ओ पी ड्रॉप, ठीक है। अब ड्रॉप कतरा, ड्रॉप गिर जाना, ठीक है। डी आर ओ पी ड्रॉप गिरने को भी कहते हैं, डी आर ओ पी ड्रॉप कतरे को भी कहते हैं, बहरहाल यहाँ कतरा है। टेक 10 ड्रॉप्स ऑफ दिस मेडिसन डेली, ठीक है। इस दवा के रोज़ाना 10 कतरे लें, या पुट डू ड्रॉप्स ऑफ आई ड्रॉप्स इन योर आईज, अपनी आँख में आई ड्रॉप्स के 2 कतरे डालें। फिर देखिए पुट 2 ड्रॉप्स इन योर आइस, ठीक है, अपनी आँख में 2 कतरे डालें। पुट 2 आई ड्रॉप्स इन योर आइस, या टेक 10 ड्रॉप्स ऑफ दिस मेडिसिन डेली। ये आपकी होम्योपैथिक मेडिसन होती हैं, इनके कतरे ड्रॉप्स जो हैं वो डाल के पिए जाते हैं, स्पेशली होम्योपैथिक दवाइयों के। एलोपैथिक के भी हो सकते हैं, बहरहाल जब आपने डोज थोड़ी लेनी होती है कतरों के हिसाब से गिन के बड़ी एहतियात से। 22 है एल्डर एंड ओल्डर, एक ई से एल्डर शुरू हो रहा है, रिश्ते में जो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कोई बहनोई होता है, कोई दामाद होता है, कोई ससुर होता है, ठीक है, रिश्ते में जो बड़ा होता है। और एक होता है ओल्डर, उम्र में बड़ा, पुराना या बड़ा। अब ई वाला एल्डर देखें, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। आगे ओल्डर ओ वाला हामिद इज़ ओल्डर दैन, टी एच ए एन दैन की नस्बत हिज फ्रेंड, हामिद अपने दोस्त से उम्र में जो है वो बड़ा है, ओल्डर उम्र में बड़ा। 23 ये अक्सर बोर्ड में एलिजिबल और एलिजिबल आता है, ये आप ज़रा गौर से देखें। ई वाला एलिजिबल, अहल, किसी पोस्ट के लिए अहल होना, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जैसे कोई बंदा नौकरी टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो फिर लेटर लिख के भेज देते हैं या ज़ुबानी बता देते हैं, उसमें ये जुमला यूज़ होता है, यू आर एलिजिबल, ई से, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ई एल ई एल ई जी आई बी एल ई जिबली, एलिजिबल एलिजिबल अहल, एलिजिबल अहल, आप इस ओहदे के अहल हैं इस नौकरी वगैरह के लिए। अब आ गया आई डबल एल ई, सर्कल लगाएं ऊपर वाला ई एल है अहल होना और नीचे वाला आई एल है, ठीक है, इल जैसे बीमार, आई डबल एल इल बीमार। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ने के काबिल ना हो, हिज हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, उस लड़के की ही हर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं असलम, फिर हर हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, उसकी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती, यानी लिखने पढ़ने के काबिल नहीं, जो चीज़ समझ ना आए ना। तो आपको एलिजिबल, ई से एलिजिबल अहल होना किसी नौकरी किसी पोस्ट का, और आई डबल एल इल वो लिखाई जो पढ़ी ना जा सके। आपका नेक्स्ट है 24 ई से एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट, इसके सवा इसके अलावा, एवरी बॉडी केम टू स्कूल एक्सेप्ट अली, ज़रा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट के सिवा, अली के अलावा हर कोई स्कूल में, यानी सारी क्लास प्रेजेंट थी और एक सिर्फ अली ना आया। आपका नेक्स्ट है ए से, ए सी एक्स सी ई पी टी सेप्ट एक्सेप्ट, क्लासेस में काफ की आवाज़ आ रही है, ए सी एक सी ई पी टी सेप्ट एक्सेप्ट, ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, उसने मेरी दावत कबूल की, ठीक है, ही एक्सेप्टेड इस्लाम, उसने इस्लाम कबूल किया, ही एक्सेप्टेड माई ऑफ़र, उसने मेरी पेशकश कबूल की। जी अब आपका एक तीसरा है एक्सपेक्ट, ई एक्स एक्स पी ई सी टी पैक्ट, पैक्ट इसमें आ रहा है, तवक्को करना, एक्सपेक्ट
जैसे मैं कह बंदा कहता है आप मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, मुझसे ज़्यादा तो ना करें, चाहे कोई पैसा मांग रहा है या काम कोई आपसे डिमांड कर रहा है बहुत ज़्यादा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे होते मेरे मार्क्स आएंगे अच्छे या फलाना मैं यूँ कर लूँगा काम, ठीक है। एक्सपेक्ट तो करना, आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने की तो रखता हूँ। नेक्स्ट है होप, HOPE, होप, उम्मीद। आई होप टू गेट फर्स्ट पोजिशन इन द एग्जामिनेशन, मैं इम्तिहान में पहली पोजिशन हासिल करने की उम्मीद रखता हूँ। 26 है फीट, डबल ई वाला सर्कल लगा लें, फीट डबल ई वाला, पाँव पैर की जमा, फुट एक पाँव होता है, फीट दो पाँव एक। नेक्स्ट फीट है उसके लास्ट में, ज़रा EAT, ईट पे सर्कल लगाएं, फी आट जैसे हों स्पेलिंग, लास्ट में ईट खाने वाला स्पेलिंग आ रहे हैं, फ़र्क पता चल गया, ये होता है फीट, ज़्यादा सारे फीट्स बोला जाता। कुर्तब, ये नुमाइशों में जाएं या कहीं भी जाएं, मदारी होते हैं, वो बंदर का तमाशा है, शेर का है, शेर आग से गुजर रहे हैं या बंदर कुछ करके दिखा रहा है या घोड़े कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप FWET, फीट पैर पाँव की जमा, आई हैव टू फीट, मैं दो पाँव रखता हूँ, ये एवरी मैन हैज़ टू फीट। अगला है FEAT, फीट, द जगलर इज शोइंग फीट्स, मदारी कुर्तब दिखा रहा है, जैसे वो 10-15 गेंद उछाल रहा है या स्नेक सपोज अपने गले में लपेट लेता है। चले जी, 27 है, दोनों फीट पे फ़र्क पता चल गया, दो ई वाला फीट जो होता है वो फुट की जमा फीट पाँव होता है, और जो EAT फीट वाला होता है वो कुर्तब होता है। 27 है फ्लोर, दो ओ वाला फ्लोर फर्श, जिसके ऊपर खड़े होते हैं, दो पाँव हैं तो दो ओ हैं फर्श, फर्श। डू नॉट स्पिट ऑन दी फ्लोर, फर्श पर ना थूकें, ठीक है। क्लीन दिस फ्लोर, इस फर्श को साफ करें, ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लोर, ये खूबसूरत फर्श है, ठीक है। अब आ जाएँ FLOUR, फ्लोर, OUR आवर के स्पेलिंग लास्ट में आ रहे हैं, फ्लोर आटा, ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, रोटी आटे से बनती है जो खाने में रोज़ मम्मा पकाती हैं। 28 है FAIR, फेयर, ये AIR फेयर, एयर वाले स्पेलिंग आ रहे हैं, फेयर मेला, अ फेयर इज़ हेल्ड इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला मुनक्किद होता है, ये मुश्किल लग रहा है तो और इसे लिख लें, आई गो टू फेयर, ठीक है, आई वेंट टू अ फेयर कर लें, मैं एक मेले में गया, वेंट सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू अ फेयर, मैं एक मेले में गया। आगे आपने सिटी लिखनी है तो लिख दें आई वेंट टू अ फेयर इन कराची, आई वेंट टू अ फेयर इन टैक्सला, आई वेंट टू फेयर इन रावलपिंडी, स्पेलिंग वो लिखने हैं उस सिटी के जो आपको याद हों ईजीली, जिसमें मिस्टेक ना हो। तो AIR वाला फेयर जो होता है वो मेला होता है स्टूडेंट्स। आगे आ गया FARE, फेयर कराया, ऐसे अगर मैं इसको पढ़ूँ ये फारी बन जाता है, ई लास्ट में आ रहा है। He paid the fare and got ticket. उसने किराया अदा किया और टिकट ले ली, फेयर किराया, ठीक है। आई पेड द फेयर ऑफ द बस लिख लें, आई मैंने PAID पेड अदा किया फेयर ऑफ बस, मैंने बस का किराया अदा किया, ठीक है, ठीक है। द फेयर ऑफ रावलपिंडी इज 250 रुपीज़, रावलपिंडी जाने का किराया 250 रुपये है, आप कोई भी सेंटेंस लिख लें। 29 है FOUL, फाउल, जिसके लास्ट में UL आ रहा है, यूल, यूएल, यूल, फाउल, ठीक है। जैसे बैड स्मेल भी कई दफ़ा आ रही होती है, इसके कई मीनिंग है, गंदा, जब्ते के खिलाफ और गलत, फाउल, ठीक है। अब इसका एक है ही ऑलवेज प्लेस फाउल गेम्स, वो हमेशा खिलाफ जब्ता यानी गेम के रूल्स के खिलाफ गेम खेलता है, ठीक है। FOUL फाउल होता है, स्मेल के सेंस में भी है, तो गंदा। अ फाउल स्मेल इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, किसी जगह से फॉल स्मेल आ रही है, कोई जैसे बदबू सी आ रही है, ठीक है। अब आ गया FOWL, W वाला सर्कल लगाया, W, फॉल, परिंदा, जो परिंदे के बच्चे होते हैं ना, ठीक है। डिफरेंट ज़्यादा सारे बर्ड्स जब हों ना, उसमें क्या कहते हैं, किसी डिफरेंट स्पीशीज़ के बर्ड्स, जैसे चिड़िया घर में तोते, चिड़िया में ना ऑस्ट्रेलिया के तोते, फलानी अफ्रीकन चिड़ियाँ, इस तरह कई चीज़ें होती हैं बेटा, वाइट एंड ब्लैक भी होती हैं, तो डिफरेंट किस्म के पैरट्स भी होते हैं, तो जब डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें हो जाए ना बर्ड्स, तो उसको हम फाउल कहते हैं, परिंदे। आई सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ फाउल्स इन द ज़ू, आई सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ FOWS फाउल्स इन द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देखे। आपका 30 है क्लास गेट और गेट, फ़र्क फिर देखिए, GATE गेट, दरवाज़ा, क्लास खसूसी जो लोहे का बड़ा दरवाज़ा होता है ना, जो घर का सबसे आउटर
मेन गेट जिसे कहते हैं उसको गेट कहते हैं। लकड़ी वाले दरवाजे को कभी भी गेट नहीं कहते, उसको डोर कहते हैं, घर के अंदर के दरवाजे होते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आपको डोर और गेट में फ़र्क बता दूँ। स्कूल का जो होता है ना, जो लोहे के बड़े बड़े गेट होते हैं फैक्ट्रीज़ के, स्कूल्स के, घर का लोहे वाला बड़ा गेट, मेन एंट्रेंस गेट, उसको गेट कहते हैं दरवाज़ा, GATE गेट। ही वेलकम्ड हिज गेस्ट एट द गेट, उसने दरवाजे पर अपने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अब आप गौर से देखें, AIT वाला इट आर है, इसके लास्ट में IT इट आर है, गाइट चाल, हर गाइट इज़ वेरी चार्मिंग, हिज गाइट इज़ वेरी चार्मिंग, उसकी चाल बहुत दिलकश है, ठीक है, चाल चलने के स्टाइल को GAIT गेट। तो क्लास ये थे आपके 21 से 30 तक जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, आप इन्हें लिखें, आप इन्हें याद करें, आप इनके स्पेलिंग का डिफरेंस देखें, आप इनके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं। मैंने इसीलिए अक्सर सेंटेंसेस के आपके 2-3 साथ साथ बताए हैं ताकि आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड हो, रट्टा ना लगाया करें, किसी भी टीचर किसी भी बड़े से अपने टीचर की गाइडलाइन पे चलें तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। नसरु मिनल्लाहि व फतहुन।